फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू थैंक ज्योति मैम एंड होल डाउट फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द टीम फॉर क्लियरिंग अवर कंसेप्ट सॉल्विंग अवर डाउट्स देयर टाइम टू टाइम मोटिवेशन टू क्रैक अवर एग्जाम दैट हेल्प्स अ लॉट टू क्वालिफाई माय एंड ऑल्सो द अदर स्टूडेंट एग्जाम टू. Jake Mistry had made a world record and I just wish that they make such a new such records in the coming days too. It is just the result of ma'am's constant efforts, their continuously hard working and their dedication towards her work of teaching that helps the students and make them qualify the exams. So it's a big achievement. I just want to thank a big thank you to the whole team. Thank you. Hi guys, I am Subhadip Ghosh and I am a student of Hydrogen Batch. In this CSIR NET 2020 exam, I have secured 18th rank, All India 18th rank in GRF Chemical Science. So firstly, I want to thank Jyoti ma'am for unke bagar to kuch bhi nahi ho pata uske unke help ke bagar. So I am very grateful to her. तो मैंने पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ था उसके पहले कुछ एक महीने पहले जेके मिस्ट्री ऐप लिया था और उसके पहले से यूट्यूब में मैम का जो वीडियो आता थे उसके उनको देखता था, रेगुलरली फॉलो करता था. तो तब से ही मैम का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल था, समझाने का जो टेक्निक था, वो बहुत पसंद आता था और हम लोग उनके साथ बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाते थे. इसलिए जेके मिस्ट्री ऐप तो लेना चाहते थे पर मुझे लेते लेते थोड़ा लेट हो गया. तो खैर उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ तो उसके बाद जेके मिस्ट्री ऐप के साथ ही पूरा लॉकडाउन गुजरा. सी एस आई नेट के लिए तो पढ़ना चालू था और ठीक था सब कुछ. और जो और मैं कहना चाहता हूँ कि ऐप लेने के पहले भी से होता था कुछ कुछ, ऐसा नहीं कुछ नहीं होता था, पर ऐप लेने के बाद जो फिर एक नॉलेज था ना वो बिखरा हुआ था, उनको सिमटने का काम मैम ने किया, बहुत बढ़िया किया. और उस सिर्फ सिमाटा ये नहीं, उसके एडिशनली भी मैम ने बहुत कुछ समझाया और इनका एज रिजल्ट क्या हुआ कि एक बहुत अच्छा क्लियर व्यू आ गया और क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो अप्रोच था वो इम्प्रूव होता चला गया. तो इनका वजह से ये बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस था, ये जे केमिस्ट्री ऐप के साथ बहुत बढ़िया सबक था. और मैम का जो मोटिवेशनल स्पीच आता था बीच बीच में, वो बहुत मोटिवेट करता था क्योंकि इतना बड़ा लॉकडाउन का पीरियड था. तो शायद ऐसा लगता था कि कभी कभी ऐसा लगता था कि और दिल जी नहीं करता था पढ़ने को. तब मैम का ठीक है उसके वजह से ये दिल लगा रहा ये जो नौ महीने लॉकडाउन चला. उसके बाद टेस्ट सीरीज आया, टेस्ट सीरीज ने भी बहुत हेल्प किया हम लोगों का क्योंकि जो एक कॉन्सेप्ट अलग चीज़ है मैम भी कहती है और उसका अप्लाई कर पाना अलग चीज़ है. वो एप्लीकेशन पार्ट इंप्रूव हुआ टेस्ट सीरीज के साथ ही और टाइम मैनेजमेंट का भी इशू पूरा ठीक हो गया. और इसके वजह से जब टेस्ट हुआ था वो एक यूज टू हो गए थे हम टेस्ट के साथ देते देते, तो टेस्ट ज़्यादा कुछ मैटर नहीं कर पाया हम लोगों को. और बाकी जो डाउट फैकल्टी था, हेल्पलाइन था, सब बहुत अच्छे थे. डाउट फैकल्टीज भी 24 आवर्स के बीच में जो उनका रिप्लाई भी आता था, कभी कभी लेट होता ठीक है वो हम लोग समझ सकते हैं, बहुत स्टूडेंट होता था, पर बहुत बढ़िया था ठीक है. और क्या बताऊँ, और उसके बाद एग्ज़ाम दिया, पहले जो लगा था एग्ज़ाम देने के बाद कि 120 के आसपास आएगा, तो उसके बाद आया 131 और रैंक आया. तो मैं बहुत खुश हूँ और अब भी खुश हूँ, 18 रैंक आया था. पर मैं उससे भी ज़्यादा खुश हुआ जब मैम का कॉल आया था. मुझे पहले लगा था कि कॉल आएगा नहीं क्योंकि मैम बहुत बिजी थी इन दिनों में, उसके बाद कॉल आया तो उनके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा और उससे मैं ज़्यादा खुश हुई 18 रैंक, मैं सच बताऊँ तो. उसके बाद हो गया, ये था पूरा एक्सपीरियंस एंड आई एम अगेन वेरी ग्रेटफुल टू मैम एंड थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल. हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रदीप रावत एंड आई गॉट ऑल इंडिया रैंक 52 इन CSIR 2020. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वॉन्ट टू थैंक ज्योति मैम एंड देयर टीम, उन्हीं के वजह से आज मैं ये GRF निकाल पाया हूँ. मैं अगर इस कोचिंग को एक वर्ड में डिफाइन करना चाहूँ तो मैं ये कहूँगा एक स्कूल की तरह है, जैसे स्कूल में हर एक बच्चे पे ध्यान दिया जाता है और टीचर के ऊपर काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वैसे इस कोचिंग में ज्योति मैम तो खूब मेहनत करती ही हैं. साथ में वो अपने दिए हुए टेस्ट को और असाइनमेंट को एनालाइज भी करती रहती हैं और बीच बीच में ऐसी वीडियो लाती रहती हैं जिससे कि आप अपनी परफॉर्मेंस को सुधार सकें और जो भी हमसे गलतियां रह गई हैं उन्हें कैसे सुधारा जाए, तो उनके बारे में भी ज्योति मैम बीच बीच में अपडेट करती रहती हैं.
और जो सेकंड थिंग है, यहाँ पे आपको कंटेंट की कमी बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहाँ पे इतने टेस्ट असाइनमेंट होते हैं कि इनफैक्ट आप लास्ट टाइम तो हमने होली के दिन भी असाइनमेंट किए हैं, होली असाइनमेंट के नाम से। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे कंटेंट की बिल्कुल कमी नहीं है और एक सीरियस एस्पिरेंट के लिए ये काफ़ी अच्छा कोचिंग है। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगा, थैंक यू मैम हमको इंस्पायर करने के लिए। मेरे जैसे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिनकी आपने हेल्प की है, और आगे भी आप प्लीज़ ऐसे ही करते रहिएगा। एंड आई एम प्राउड टू बी ए जे केमिस्ट्री। थैंक यू। Hi, I'm Vaishali. I'm a student of J Chemistry Hydrogen Batch. I qualified CSIR NET exam JRF with an All India rank 70. I personally first like to thank Jyoti ma'am from the bottom of my heart and also congratulate her. This is her first milestone. We are her first batch of students, and so many students, almost 200 and something students have cleared the exam. And I'm so much thankful to her. And maybe if someone would have asked me like a year before whether I'll be able to, maybe me myself asking this, whether I'll be able to clear this exam, the answer would have been no, because I didn't think I'll be able to do it. But I just had a lot of trust on her, and me being the first batch of student, I didn't hesitate also to join into the course. Everything was so awesome. This 1 year went on very well, and I followed whatever she said. Whatever instructions she used to give, I just followed it, and everything was so good, and the team was amazing. The doubt faculties were marvelous. They used to ensure that you understand the doubt. Whenever you ask a doubt, they ensure that you understand the concept, either by voice message or by chat or by phone call. They just make sure you understand it. And the amount of dedication that ma'am has, my God, that half of that dedication, if a student gets, no, then that student will definitely clear the exam for sure. And seeing her being so motivated, so dedicated, so hardworking, that actually gives us motivation to do it. And I salute her for the efforts that she had put. She's just wonderful. And I, from here, from this point in life, wherever I go, she'll always have a special place in my heart. I thank all of you. I thank J Chemistry team. And I'm actually quite privileged that I was able to have her classes, and I feel quite blessed. Thank you. Hello, myself Chandrani Pal. I am a Helium Med student of J Chemistry, and I have qualified NET JRF 2020 with All India rank 72. It is the first time I have attended a class in such a format, and wondered how effective the classes as well as the test series would be. It was very pre-planned, well organized, and was very easy to follow. And about Jyoti ma'am, I just can't express how great Jyoti ma'am is. She is excellent, the best, and was very clear about her method of teaching. Her advices, valuable guidance, and also the tips and tricks was second to none, and helped me a lot to achieve this rank. And last but not the least, there is a scheme for the one who deserve. I had got selected in that scheme, and they refund me all the course fees. I never expect this. So in one word, J Chemistry far exceeded my expectation. I would recommend J Chemistry for others. It is just excellent. Thank you. Hello ma'am, I am Amar Kumar Mishra from Ravenshah University in MSc final year now. कभी सोचा नहीं था कि मैं मेरे अपने फर्स्ट अटेम्प्ट पे JRF निकल भी पाऊंगा या नहीं। मुझे तो बस ऐसा ही लग रहा था, यार जून है, कभी होगा भी या नहीं, फर्स्ट ईयर में हूँ, तो फिर मैंने जॉइन भी करूँ या ना करूँ, ऐसा ही लग रहा था। तो फिर एक दिन मैंने सोचा यार कर लेता हूँ, इसलिए मैंने बहुत लेट भी जॉइन किया। और वहाँ पे जब देखा आप, मतलब इतने ग्राउंड लेवल पे आकर हमें कॉन्सेप्ट आप लोग जैसे सिखा रहे हो ना, ऐसा लग रहा था कि हमारे कोई बड़ी बहन हो या फिर कोई सीनियर हो हमें, या फिर दोस्त हो, आकर हमें पढ़ा रहा है, कॉन्सेप्ट अप्रोचेस सिखा रहा है। और इसलिए ना, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था तब वो वीडियोस, मोटिवेशंस, और पता नहीं, मतलब एक अटैचमेंट ही हो गया था। दिन में पहले 6 आवर्स वीडियोस देखो, असाइनमेंट, टेस्ट, और मुझे नहीं लगता इसके अलावा और कुछ भी चाहिए JRF के टॉप, मतलब टॉप रैंक लाने के लिए, और कुछ भी एक्स्ट्रा चाहिए। मैंने सिर्फ असाइनमेंट, टेस्ट सीरीज और थ्योरीज पढ़कर एवन, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही JRF निकाल दिया, और इस मतलब मैंने कभी सोचा भी नहीं था। इसलिए स्पेशल थैंक्स टू ज्योति मैम,
एंड ऑल्सो स्पेशल थैंक्स टू आवर डाउट फैकल्टीज, क्योंकि मेरा तो बहुत ही ज़्यादा डाउट रहता था और मैं बार बार पूछता था राजदीप सर से, कोमल मैम से, रितु मैम से, एंड थैंक यू सो मच फॉर बींग लाइक फ्रेंडली एंड टीचिंग अस। नमस्कार, इट्स जोयत्री हियर एंड आई एम फ्रॉम जे केमिस्ट्रीज हाइड्रोजन बैच एंड रिसेंटली आई क्रैक्ड JRF। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एट फर्स्ट आई वॉज लिटल स्केप्टिकल वेदर आई शुड ज्वाइन जे केमिस्ट्री और नॉट, बट आई हैव ऑलवेज एन्जॉयड ज्योति मैम्स यूट्यूब वीडियोज and then probably I made the best decision of 2020, and that is to become a part of J Chemistry's Hydrogen Batch. Pursuing MSc, majoring in Organic Chemistry, I didn't have the opportunity to read Physical Chemistry elaborately. Consequently, I became weak on that field, but J Chemistry helped me a lot to surmount the year-long problem. Besides, the Organic and Inorganic Chemistry classes were magnificent and detailed. I would definitely say that I could never crack JRF without you, Jyoti ma'am. I respect you so, so much. And special thanks to the entire J Chemistry team. I definitely recommend J Chemistry app to each and every chemistry student out there. J Chemistry and Jyoti ma'am will definitely change your life and help you to live your dreams. Thank you so much.